शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंदला में प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान छात्राओं को जागरूक भी किया गया, उन्हें उपाय भी बताया गया, जैसे किशोरी एवं महिलाओं के बढ़ते कैंसर, बच्चेदानी के संक्रमण के बचाव और मासिक धर्म की अनियमितताओं से रोकथाम, प्रजनन अंगों की सुरक्षा, इन तमाम विषयों पर सभी को जागरूक किया गया। तो वहीं इस दौरान स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने की शपथ भी दिलवाई गई। सर, अपनी टीम कहाँ से आई? अभी हम लोग भोपाल से आए हैं। हमारे कई जगह पर ब्रांचेज हैं, जबलपुर, ग्वालियर और इंदरगढ़, दतिया, सागर भी शुरू करने वाले हैं। चंदला में हमारे टीम में है पटेल जी, तो इन्होंने शुरुआत की है, पहल की है। अब हम लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक क्षेत्रीय का खोलेंगे और इस कार्यक्रम को पूरा आगे बढ़ाएंगे। उदिता प्रोजेक्ट जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा चलाया जा रहा है विद्यालयों में, उसको भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें से महिलाओं के महावारी के बारे में बताया जाता है। सर, बच्चों को अभी भी प्रशिक्षण दिया आपने, किस विषय में दिया? अभी हमने दिया है महिला स्वास्थ्य पर और साफ सफाई पर। और बच्चों को दूसरा कोई प्रशिक्षण देने की योजना है क्या आपने? जी, हम लोगों के पास जो अगली योजना है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की, स्वरोजगार बनाने के लिए, तो इस विषय पे भी हमारे अगले प्रोग्राम होने वाले हैं, जिसमें से हम स्वरोजगार के लिए युवाओं को जोड़ेंगे और उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराएंगे, ताकि वो रोजगारोन्मुखी हो सके। सर, ये अपना प्रशिक्षण कब तक चलना है? ये 2022 तक के लिए हम लोग संकल्पित हैं। इसके बाद कोई दूसरी टीम को भी काम मिल सकता है या हम लोग ही कंटिन्यू इसी क्षेत्र में कर सकते हैं।